ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील पर सीएजी की रिपोर्ट संसद में पेश कर दी गई। सीएजी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि हेलीकॉप्टर खरीद में प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया था। साथ ही ये भी कहा गया है कि हेलीकॉप्टर की कीमत काफी ज्यादा चुकाई गई है। सीधे करते हैं शमशेर सिंह, हमारे सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। शमशेर, जाहिर तौर पर एक बार फिर सरकार के खिलाफ एक हथियार। जी अंजना, सही कहा आपने, क्योंकि जिस तरह के आरोप लगाए गए थे जब ये मामला शुरू में आया था, जिस तरह के आरोप लगाए गए थे, तकरीबन वही तमाम चीजें सीएजी की इस रिपोर्ट में है जो आज सदन में टेबल किया गया। जो ऊंचाई को किस तरह से बदला गया, जो हेलीकॉप्टर की केबिन की ऊंचाई थी उसको किस तरह से बढ़ाया गया, इसके अलावा जो उड़ान भरने की जो उसकी हाइट होती है उसको कैसे कम कर दिया गया, तो इन तमाम चीज के बाद जो प्राइस था, जो कीमत थी उसको लेकर कहां हुआ, फील्ड ट्रायल में किस तरह से, जो उस समय के तत्कालीन वायुसेना अध्यक्ष ने जो कहा था, और जो कंपनी जहां से ली गई अगस्ता वेस्टलैंड उसके बयान नहीं मिलते हैं, तो तमाम चीजों को लेकर ढेर सारी कमियां कही गई। और सिंगल ब्रीडिंग सिस्टम था अंजना, ये सवाल उठ रहे थे कि एक ही सिंगल ब्रीडिंग सिस्टम क्यों, जबकि ये मल्टी ब्रीडिंग सिस्टम होता है। तो ये तमाम सवाल जो लगातार आरोप थे, सीएजी ने अब उस पर मुहर लगाई है कि ऊंचाई में किस तरह से हुआ है, उड़ान भरने की को लेकर, उसकी कीमत को लेकर, और जो देर हुई है, तमाम चीजों को लेकर सवाल उठाए गए हैं। जाहिर सी बात है, अभी सरकार चाहे वो रॉबर्ट वाड्रा का मामला हो या बाकी चीजों से अभी उभर नहीं पा रही है, संसद चल नहीं पा रहा, ऐसे में ये एक नया हथियार आपके यहाँ बीजेपी को मिल गया है, अपोजिशन का विपक्ष को मिल गया है। और अब अगला जो, अब 2 बजे तक तो दोनों सदन एडजर्न है, उसके बाद जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो जाहिर सी बात है इन मुद्दों के साथ अब ये इस पर भी हंगामा जाहिर सी बात है होगा ही, तय है। अंजना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शमशेर इस तमाम जानकारी के लिए। यानी एक बार फिर से इस मुद्दे को हथियार बनाकर विपक्ष करेगा सरकार पर वार, और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर भी मचेगा घमासान।